अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड कैसे हैं सब उम्मीद है अल्लाह के फजलोक करम से सब खैर खैरियत से होंगे अल्लाह ताला साहब को खैर खैरीत से अपने अफजो अमान में रखे तंदुरुस्ती तंदरुस्तीहत लंबी ज़िंदगी अता फरमाए तमाम बीमारियों परेशानियों से दूर रखे तो चलते हैं व्यूअर्स आज की रेसिपी की तरफ आज बना रहे हैं हम निमक पारे तीन किस्म के निमक पारे बनाने तो आप मेरे साथ रहें चलते हैं देखते हैं कि निमक पारे कैसे बनें ये देख लें कैसे बहुत मज़े के निमक पारे हैं ये ज़रूर ट्राई करनी है आपने भी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ सबसे पहले हम लेंगे मैदा दो कप तो इसमें डालते हैं हम घी चार टेबल स्पून मेरे पास मेल्ट हुआ है आपके पास दूसरा है वो डाल दें मेल्ट हुआ डाल दें वो भी ठीक है उसके बाद हम डालते हैं इसमें एक टी स्पून निमक तो उसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन एक टी स्पून थोड़ा सा मसल के इन सब को मिक्स कर देंगे तो मिक्स ऐसे होना चाहिए देख लें मुठी बनाएं तो मूठी बन जाए वो टूटनी नहीं चाहिए तो उसके बाद हम इसमें पानी डाल के तो एक डो तैयार कर लेते हैं डो हमारी तैयार हो गई अभी हम इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं थोड़ा सही हो जाएगी तो मसलने के बाद हम इसका बना लेते हैं एक रोल उसको ताकि बराबर हिस्सों में काट लेंगे ताकि बराबर हिस्सों में काटे हुए जो रोटी हम बनाएंगे जो इनकी तो वो बराबर हिस्सों में बनती जाए तो हम ये अभी इसके बना लेते हैं पेड़े ऐसे ही हम सब पेड़े पेड़े बना लेंगे तो अभी थोड़ा सा मैदा डेस्ट कर लेंगे हम नीचे और एक एक बारी बारी, बारी रोटी हम बेल कर तैयार कर लेंगे ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए पेपर की तरह तो चार साइडों पे हम काट के इसको ये बना लिया जब बिल्कुल चौरस किस्म के तो इसको दरमियान से काटेंगे लेकिन ये है कि स्ट्रैप नमा लेकिन पूरा कोने से नहीं काटना और वो कोना भी रहना चाहिए ये भी रहना चाहिए तो ऐसे हमने ये काट ली स्ट्रैप नमा अभी हम साइडों पर लगाएंगे पानी ये देख लें इन साइडों पे पानी लगाना है दोनों साइडों पे तो इनको आपस में जोड़ देंगे इकट्ठा कर देंगे ये दूसरा हाथ में नहीं लगा रहा हूँ साथ है इसलिए कि थोड़ा सा कैमरे में सामने नज़र नहीं आ रहा आपको इसलिए वो एक हाथ से कर रहा हूँ ये इस तरह दूसरी साइड भी ऐसे ही हमने इकट्ठी कर लेनी है और बिल्कुल इसको क्लोज कर देना है ये दोनों साइडें हमने इकट्ठी कर ली हैं अभी ये इकट्ठी करके कर इसको क्लोज़ कर लिया अभी ये देख लें अभी हम इसको कर लेते हैं फ्राई तो फ्राई करते हुए इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि ये सट्रा पीस की अलग हो जाए ये देख लें अभी फ्राई हो रहा है अभी इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे तो उसके बाद हम निकाल देंगे दूसरी साइड दूसरा बनाएँगे डिज़ाइन अभी ये दूसरा हमने तैयार किया है अभी इसको भी ऐसे ही काटेंगे बीच में से पूरा तो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग हमने बनाना है तो इसलिए हम इसको एक साइड पे पानी लगाएंगे इधर और दूसरी साइड इसके ऊपर बराबर करके प्रेस कर देंगे फिर इसको इकट्ठा कर देंगे इधर इससे ही ये ये इकट्ठा करके एक बेल को कोने से दबा के ताकि ये अलग ना हो जोड़ देंगे तो अभी इसको हम डालते हैं तो ये देख लें दूसरी डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया हमारा ये व्यवर हमारे निमक पारे थे जो तैयार हो गए तो देख लें तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद